हाँ तो यार वो कैसे हो। अब देखो आपने काफ़ी सारे ऐड देखा होगा जार ऐप को लेकर, काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्टर्स जार ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। एंड उस वाले ऐड में आप लोग को ये बताया जाता है कि आप लोग अपने पैसे को सेव कर सकते हो डिजिटल गोल्ड में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग किस तरीका से जार एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, जार एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमा सकते हो, एंड आखिरकार ये जार एप्लीकेशन है क्या, क्या जार एप्लीकेशन को यूज़ करना प्रॉफिटेबल है, सब कुछ इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर गाइज आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है यार, आप लोग वीडियो को लाइक करो, साथ में चैनल पर नहीं आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को ऑल पे कर दो, क्योंकि गाइज इस चैनल पर मैं आप लोग के लिए ऐसे ही यूजफुल कॉन्टेंट लेकर आता रहता हूँ। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जार एप्लीकेशन एक डिजिटल गुल्लक है। अभी यार आपने लाइफ में कभी ना कभी गुल्लक को तो परचेस किया ही होगा। गुल्लक के अंदर आप क्या करते थे, जो भी आपका बचा कुचा पैसा होता था आप गुल्लक के अंदर जाके डाल देते थे, एंड एक टाइम पे गुल्लक आपका भर जाता था एंड आपके पास ढेर सारे पैसे होते थे। तो वैसे ही गाइज आपका ये जार एप्लीकेशन है। जार एप्लीकेशन के अंदर गाइज आप लोग अपना पैसा सेव कर सकते हो, जो भी आपका बचा कुचा पैसा है उसके अंदर गाइज आप लोग डाल सकते हो, एंड जो आपका पैसा है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, डिजिटल गोल्ड में। एंड जैसे कि आप सभी को पता है जो डिजिटल गोल्ड का प्राइस है वो हमेशा इंक्रीज होता है, घटता नहीं है। एंड यार जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा को हर जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड काफ़ी सारा खरीद लेते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा एंड उनका जो पैसा है वो दुगना हो जाएगा। तो यार जार एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ओपन करना है, उसके बाद से गाइस आप लोग को नंबर के थ्रू साइन अप करना है, एंड आपका नेम और कुछ डिटेल्स मांगता है वो आपको डाल करके आप लोग को ऐसा इंटरफेस मिल जाता है, राइट। अब उसके बाद आप लोग टॉप पे देखो गोल्ड बाय प्राइस जो कि लाइव चल रहा है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि अभी फिलहाल है 5641.63 पर ग्राम अभी गोल्ड का रेट चल रहा है। एंड यहाँ पर आप लोग वॉलेट पे देख सकते हो 0.0034 ग्राम है, ठीक है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आप लोग किस तरीके से डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकते हो। तो बस बहुत ही सिंपल है, आप लोग को थ्री डॉट पे क्लिक करना है, बाय गोल्ड का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद से यहाँ पर सिंपली आप लोग को अमाउंट डालना है, जैसे कि यहाँ पर मेरा 30 रुपये डाला गया, तो 30 रुपये मेरे को कितना यहाँ पर ग्राम गोल्ड मिल रहा है यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 0.0051 ग्राम। अभी मान के चलिए गाइस हमने यहाँ पर 10 रुपये लिख दिया। अब ये एप्लीकेशन की खास बात ये कि आप लोग 10 रुपये में डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकते हो, समझ रहे हो, मतलब 10 रुपये में आपने गोल्ड खरीद लिया है ना, तो काफ़ी मस्त है। आप 10-10 रुपये करके मान के चलो आप लोग डेली डेली परचेस कर रहे हो, तो एक टाइम पे आपके पास काफ़ी सारा डिजिटल गोल्ड होगा, है ना। एंड यहाँ पर आप लोग कूपन को भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख पर एक ऑफर है, अगर आप लोग मिनिमम परचेस 20 करते हो तो आप लोग को इतना परसेंट एक्स्ट्रा गोल्ड मिल रहा है। वैसे आप लोग और भी कूपन्स को देख सकते हो। तो फिलहाल गाइस अपन यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से अपन को पे नाउ पे क्लिक कर लेना, यहाँ पर सिंपली आप लोग को GST वगैरह कैलकुलेट करके प्राइस बताया गया, तो अपन पे नाउ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लोग को फ़ोनपे जीपे आप लोग को सब कुछ देखने को मिल जाता है, आप लोग फ़ोनपे, मैं फ़ोनपे चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद से अपन पेमेंट को डन करते हैं, तो मैंने यहाँ पर पेमेंट डन कर दिया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे मेरा यहाँ पर जो गोल्ड है वो यहाँ पर परचेज हो चुका है, तो बहुत ईजी प्रोसेस है। एंड जो कि मेरा गोल्ड वो लॉकर के अंदर ऐड हो चुका है, एंड यार बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ एंड सिक्योर है। आप लोग जब मन करो इसको विड्रॉल कर सकते हो, तो सब कुछ करके दिखाएंगे, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब चलिए गाइस बात करते हैं इस वाले एप्लीकेशन के अंदर आप लोग और क्या क्या कर सकते हो। अब यहाँ पर मान के चलिए आपने ये सोचा कि आपको डेली कुछ कुछ गोल्ड को आपको परचेस करना है ताकि आपको बर्डन ना पड़े, तो यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेटअप डेली सेविंग का। अब जैसे आप लोग स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर देखो आप लोग 10 रुपये भी आप लोग परचेस कर सकते हो, 20 रुपये भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलिए आपने 20 रुपया आज के दिन डिजिटल गोल्ड को परचेस करा, तो ये आपका ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा एंड आपका डेली ऑटोमेटिक आपका 20 रुपये बैंक से कटेगा एंड आपका डिजिटल गोल्ड आपका बाय हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसको आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप लोग किसी को भी चूज़ कर सकते हो कितना अमाउंट आपको डेली बाय करना है। जैसे कि यहाँ पर 20 रुपये मेरे को सही लग रहा है, तो सेट डेली अमाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से नाइस यू आर ऑलमोस्ट देयर यहाँ पर लिखा रहा है, एंड उसके बाद से आप लोग को भाई यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि फ़ोनपे ऑप्शन है तो फ़ोनपे चूज़ करके प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को पे एंड सेट ऑटो पे है ना, तो आप लोग पे पे क्लिक कर दो। उसके बाद से अपना भाई UPI पासवर्ड को डालना है एंड अपना पेमेंट को डन करना है। चलिए अपना पेमेंट डन करते हैं। ओके, तो हमारा पेमेंट डन हो चुका है, डेली सेविंग सेटअप सक्सेसफुली। अब क्या होगा, आज मैंने 20 रुपये का परचेस करा, तो जो नेक्स्ट दिन है वो मेरा ऑटोमेटिक 20 रुपये अकाउंट से कट जाएगा एंड डिजिटल गोल्ड बाय हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और कंडीशन आ सकता है कि अब आप नहीं चाह रहे हो कि नहीं भाई अब मेरे को यहाँ पर डिजिटल गोल्ड बाय नहीं करना है, जो ऑटोमेटिक मेरा बाय हो जा रहा है, तो इसको आप लोग ऑफ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बैक जाओ, अकाउंट पे क्लिक कर लो, यहाँ पर सेटिंग्स पे चले जाओ, जो आपका ऑटो सेव है ना ये आपका इनेबल्ड है, इस पर क्लिक करो, एंड यहाँ पर डिसेबल ऑटो सेव का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके डिसेबल कर दो, बस आपका डिसेबल हो जाएगा। तो जब मन चाहो आप लोग इसको डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। एंड यह जार एप्लीकेशन के अंदर आप लोग को एक ये भी फीचर देखने को मिलता है। अब जैसे कि आपने थ्री डॉट पे क्लिक करा, एक सेविंग प्लान है, इस पर आपने क्लिक कर दिया। अब इस पर क्या है,
कि आप लोग मान के चलो आपने ये सोचा कि एक वीक के अंदर आपको 100 रुपये का आपका डिजिटल गोल्ड बाय करना है, तो आप चाहते हो कि आपका हर वीक 100 रुपये का डिजिटल गोल्ड बाय हो जाना चाहिए, तो यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हो। एंड आप लोग ये भी सेट कर सकते हो कि आपका मंथली में मान के चलो आपको 200 रुपये का आपका डिजिटल गोल्ड आपको बाय करना है, तो आप ये भी सेट कर सकते हो आपका ऑटोमेटिक मंथली में 200 रुपये का डिजिटल गोल्ड बाय हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर दो तो आप लोग सेट कर सकते हो कि आप लोग को हर वीक कितना डिजिटल गोल्ड बाय करना है, मिनिमम 100 रुपये वीकली पे। मंथली पे आते तो यहाँ पर मिनिमम 500 रुपये आप लोग का हर मंथली कितना आप लोग को डिजिटल गोल्ड बाय करना, आप लोग ये भी सेट कर सकते हो। एंड यार जारा एप्लीकेशन के अंदर आप लोग को एक और फीचर देखने को मिलता है जो कि खुद का मेरा फेवरेट है। अब जैसे गाइस आप लोग 3 डॉट पे क्लिक करोगे आप लोग को सेव राउंड ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग उस पर क्लिक कर दो। अब मान के चलो गाइस आप मार्केट गए, आपने शॉपिंग करा एंड आपका बिल बन गया 153 रुपया। अब 153 रुपया आपने पे कर दिया तो 153 का जो राउंड ऑफ होता है ना 160 रुपया, जो 7 रुपये बचा आपका चिल्लर पैसा, वो ऑटोमेटिक आपका जार एप्लीकेशन के अंदर सेव हो जाएगा एंड डिजिटल गोल्ड बाय हो जाएगा उस पैसे का। आप लोग समझ रहे हो कितना मस्त फीचर है। अब मान के चलो गाइस आप यहाँ पर शॉपिंग पे गए, आपका बिल बन गया आपका 253 रुपये। आप 253 का राउंड ऑफ कितना होता है 260, तो जितना भी चिल्लर पैसा होगा ना वो आपका ऑटोमेटिक से जार एप्लीकेशन के अंदर सेव हो जाएगा एंड उसका डिजिटल गोल्ड बाय हो जाएगा। तो ये राउंड ऑफ फीचर काफ़ी मस्त है। बस आपको क्या करना है, सेव नाउ पे क्लिक करना है एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली एवरीडे यहाँ पर है तो गो अहेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे यहाँ पर फोन पे पेटीएम जो भी आप लोग यूज़ करोगे पेमेंट के लिए वो चूज़ करके प्रोसीड कर दो। उसके बाद तो यहाँ पर मेरा पेमेंट डन हो चुका है एंड गाइज ये जो मेरा राउंड ऑफ फीचर है वो यहाँ पर इनेबल हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर मैं कुछ भी भाई यहाँ पर पेमेंट करूँगा फोन पे से, जितना भी चिल्लर पैसा होगा सारा गाइज यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक जार ऐप के अंदर सेव होगा एंड वो आपका डिजिटल गोल्ड बाय हो जाएगा उसका। अब यहाँ पर मान के चलिए गाइज आप वन मंथ में आप जितना भी खर्चा करा आपने, जितना भी आपका चिल्लर पैसा था वो आपका सेव हुआ, तो वन मंथ के अंदर आपके पास कितना सारा डिजिटल गोल्ड हो सकता है। अब मान के चलिए आप लोग को इस फीचर को भाई ऑफ करना है तो बस आप लोग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, सेटिंग्स पर जाओ, यहाँ पर जो आपका राउंड ऑफ है ये आपका इनेबल्ड है, इसको गाइज आपको जस्ट यहाँ पर ऑफ करना है एंड यहाँ पर आपको कैंसिल राउंड ऑफ पर क्लिक करना है, आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को ये भी फीचर देखने को मिलता है कि आप लोग गोल्ड किसी को गिफ्ट कर सकते हो या फिर आप लोग गोल्ड को अपने घर पे भी मंगवा सकते हो। जो डिजिटल गोल्ड जो कि आपका लॉकर पे पड़ा हुआ है उस डिजिटल गोल्ड को आप लोग अपने घर पे भी मंगवा सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन है गोल्ड एट योर डोरस्टेप, जैसे कि आप लोग देख पर, बस उसके लिए आपके पास वॉलेट पे 0.5 ग्राम मिनिमम तो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 99.99% प्योर गोल्ड 24K कैरेट गोल्ड आप लोग अपने घर पे मंगवा सकते हो। काफ़ी सारे डिजाइंस में देख पा रहे हो यहाँ पर भगवान वाले भी डिज़ाइन है। एंड यार इस वाले एप्लीकेशन के अंदर आप लोग को एक स्पिन करने का भी ऑप्शन मिलता है। अब आप लोग गोल्ड बाय करोगे ना तो आप लोग को फ्री स्पिन्स मिल जाएगा। अब जैसे कि अपन स्पिन करके आपको दिखाते हैं क्या मिलता है स्पिन पे, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कोई बात नहीं 1 रुपये भी नहीं मिला। चलो एक और स्पिन करते हैं, अपन पास 5 स्पिन है बिल्कुल फ्री वाला, तो फिर से 0 मिला यार, कोई बात नहीं, चलो फिर से स्पिन करते हैं, कुछ मिल जाए यार अच्छा खासा। चलो 2 रुपये हमने जीत लिया है, 2 रुपये जैसे कि आप देख पा रहे हो। प्ले अगेन करते हैं, स्पिन टू विन करते हैं, क्या मिलता है क्या मिलता है भाई। चलो फिर से 0 रुपया यार, ऐसे थोड़ी होता है, क्या ही घटिया लग चल रहा है। अपन एक बार और लिफ्ट कर सकते हैं स्पिन, 1 रुपये मिला, चलो 3 रुपये का ही हमने यहाँ पर जीत लिया। एंड यहाँ पर आप लोग को ट्रांजेक्शन्स का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक करो, आप लोगों को दिख जाएगा कितना आपका लॉकर के अंदर गोल्ड पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर आप लोग को विनिंग्स देखने को मिलता है, मतलब कि गाइस जो आपने गोल्ड को परचेस करा तो आपको यहाँ पर कुछ मिलता है एंड साथ में जो आपने स्पिन करा जो आपको मिला तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मेरा माई विनिंग्स में 19.50 रुपये। एंड यार जार एप्लीकेशन के अंदर आप लोग रेफर करके पैसे कमा सकते हो, तो यहाँ पर आप लोग को 3 डॉट पे क्लिक करना है, रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है उस पर क्लिक करो। आप लोग व्हाट्सएप पे रेफर कर सकते हो, लिंक कॉपी करके कहीं भी आप लोग रेफर कर सकते हो, ठीक है। एंड लिखा हुआ है कि गाइस आप लोग रेफर करोगे तो अवार्ड आपको 500 रुपये गोल्ड मिल सकता है बिल्कुल फ्री में, लेकिन यार इतना नहीं मिलता है, उससे कम मिलता है। यहाँ पर हाउ डज इट वर्क पे क्लिक करो। अगर गाइस आप लोग आपका जो फ्रेंड है जिसको आपने रेफर करा वो इंस्टॉल करता है साइन अप करता है तो उसको 20 रुपये मिलता है, एंड अगर वो अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करता है यानी कि गोल्ड को बाय करता है तो गाइस आपको 20 रुपये मिलता है, ठीक है। तो इस तरीका से ये रेफर एंड अर्न वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं आप लोग को विड्रॉ कैसे करना। भाई आपने काफ़ी सारा डिजिटल गोल्ड को कलेक्ट कर लिया, अब आप लोग को अपना पैसा रिटर्न चाहिए तो 3 डॉट पे क्लिक करो, विड्रॉ सेविंग उस पर क्लिक करो। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगता है तो पैन कार्ड का डिटेल्स डाल दो, वो आपका हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को ऐसा इंटरफेस होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि करंट सेल प्राइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इतना है। अब जैसे कि मेरे पास जितना है मेरे को सब विड्रॉल करना है, यहाँ पर इतना आ चुका है। विड्रॉ सेविंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस सेल एनीवे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर बस यूपीआई आईडी आपको डालना है, यहाँ पर विड्रॉ सेविंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पर कंफर्म एंड विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप लोग देख पर थोड़ा यहाँ पर प्रोसेसिंग ले रहा है, एंड जैसे कि आप लोग देख पर मेरा विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप लोग को प्रूफ भी दिखा देते हैं, तो मैंने फोन पे को ओपन करा, जैसे कि आप लोग देख पर यहाँ पर सक्सेसफुली विड्रॉल हुआ है भाई मेरा।
तो मैं आप लोग को यही कहूँगा, सबसे पहले तो आप अपने हिसाब से सोचो। मैं भी आप लोग को बता देता हूँ भाई, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोग खूब बड़ा इन्वेस्टमेंट करो यानी कि बहुत ज़्यादा डिजिटल गोल्ड को बाय करो, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। आप भाई रियल गोल्ड को बाय कर लो ना, आपके घर पर रहेगा वो, आप उसको पहनोगे भी। एंड अगर आप लोग ये परस्पेक्टिव से देखोगे कि भाई आपका जो चिल्लर पैसा है, राउंड ऑफ फीचर जो है उसको आप लोग यूज़ करना चाहते हो, फिर छोटा मोटा अगर आप लोग डिजिटल गोल्ड को बाय करना चाहते हो ताकि एक टाइम पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा डिजिटल गोल्ड हो जाए, तो वो चीज़ आप लोग कर सकते हो। फिलहाल आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ये भी कमेंट करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल पर नहीं आए तो आप लोग को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे करना है। चलिए गाइस मिलते हैं हमारे ऐसे नहीं वीडियोज़ पे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टू वाइट रितिक एंड गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।